गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो, सेंट्रल को हो या स्टेट के हो, जिसमें केवल पीटी फैक्ट पूछा जाता है, उससे संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे। आज अंत तक जरूर बने रहिएगा सभी लोग। बहुत से न्यूज़ आप लोगों को आज कलेक्ट होने वाला है, बहुत से चीज़ें जो अपडेट हुए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शरद पवार जो पार्टी जो है रांकपा, उसमें विवाद चल रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले भी न्यूज़ अपडेट किए जा चुके थे इस मुद्दे में। दल बदल से संबंधित कानून और क्या है कि अयोग्यता से संबंधित मामले, सदस्यों सदन में सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामले उभर कर सामने आते हैं, तो यह न्यूज़ आप लोग को इस टॉपिक से कवर करेगा। जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 दल बदल विरोधी कानून सदन सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि टॉपिक बताना है, तो सभी ने किस प्रकार से मिस गाइड आप लोग आंसर दिए हैं स्वयं देखिएगा, मैं कैसे लिखता हूँ और आप लोग कैसे कैसे आंसर दिए हैं। किसी स्टूडेंट ने तो पेपर GS 3rd के टॉपिक को GS पेपर 2 कर दिया है, किसी स्टूडेंट ने GS पेपर 1 को GS पेपर 2 के टैली कर दिया है। तो इस प्रकार से मिस गाइड अगर आप टॉपिक में ही होइएगा तो आंसर कैसे दीजिएगा, सोच के देखिएगा। क्या आप सभी लोग स्टूडेंट ने इस तरह का फॉर्मेट बना के लिखा था जो मैं लगातार 6 से 8 महीने से आप लोग चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो सोच के देखिए। संचार इम्पोर्टेंट है, अब इसे गलत संदर्भ में नहीं लीजिएगा। आप लोग सीखिए सब चीज़ों को कि अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है सामने वाला से, अगर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कितना सरल तरीके से और सहज तरीके से उसे समझा सकते हैं आप सब। तो देखिएगा जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट किया टॉपिक में, क्या वो ये वही तरीका है जो मैं आप लोग को समझाता हूँ बताता हूँ स्पष्ट तरीके से। पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ किस पेपर से है, यूपीएससी के किस पेपर से है या बीपीएससी के किस पेपर से है, आपको पहले ये लिखना चाहिए था, उसके बाद ऑब्लिक करना या किसी भी डैश भी नहीं देते, काम चलता है। टॉपिक कौन सा है, दल बदल विरोधी कानून है, सदन के सदस्यों की योग्यता से संबंधित। इसी तरह आप SEO की टॉपिक किससे आता है, पहले आपको यूपीएससी में GS पेपर किस में आता है, 2 में आता है, बीपीएससी में कहाँ आता है, पेपर 1 में आता है, उसका ऑब्लिक करते हैं आप लोग। ऑब्लिक करने के बाद लिखते हैं SEO। SEO लिखा जाता है कि लिखा जाता है आपको राष्ट्रीय हित के मुद्दे या तो द्विपक्षीय संबंध लिखा जाता है, उसके बाद SEO लिखा जाएगा ना। तो सोच के देखिएगा, इतने दिनों से मैं आप लोग को करा रहा हूँ तो ये बेसिक चीज़ ही आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो इसे आप लोग जितना जल्द हो सके बेहतर करने का प्रयास कीजिए। कल मैंने 2 लोगों को कॉल किया कि टॉपिक मुझे दीजिए, कुछ काम है, अर्जेंट काम है, तो किन्हीं के पास टॉपिक नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार नोटिस किया हूँ आप लोगों को टॉपिक से संबंधित, तो अभी तक आप लोग नहीं किए, इसका मतलब यह चल से 2 अर्थ निकाला जा सकता है। या तो मुझे आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, या इस टॉपिक को ही सीरियस, इस मुद्दे को ही टॉप, इस जो सेशन चलाया जा रहा है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को, उसे सीरियस नहीं समझ रहे हैं। 2 ही अर्थ हो सकता है, और दोनों अर्थ आपके लिए ही खतरनाक हो, मेरे लिए कुछ खतरनाक नहीं हो, दोनों आपके लिए ही खतरनाक होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम आपका PT क्लियर होगा तो मेंस के समय 2 से 3 महीना समय मिलेगा, उसमें सारे न्यूज़ 1 साल का न्यूज़ आपको कलेक्ट करना होगा, न्यूज़ को कवर करना होगा, फिर आप उसमें तारे आसमान का तारा गिनिएगा। सोच के देखिएगा क्या बातें मैं कह रहा हूँ, इसे शांति से दिमाग से खड़े शांति से कुछ देर वक्त बिता के इसे सोचिएगा। जब PT आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके मीन्स जब लिखने आइएगा, उसके बाद टॉपिक देखिए, सेलेक्ट कीजिए कैसे हमको क्या करना है, कितने दिनों तक के रिवाइज करना, टॉपिक क्या क्या है, साल भर चर्चा में रहा है, वो कहाँ से कलेक्ट कीजिएगा। जब आपके पास इंडेक्स ही नहीं बना है तो कहाँ से कीजिएगा, मैं अवेलेबल कराऊंगा, और मेरे पास भी इतना डेली का डाटा नहीं रखता हूँ। रीज़न उसके पीछे कि आप लोगों को मैं सर्व कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को सिलेक्शन लेना, तो ये सब काम कीजिए, नहीं तो अन्यथा चीज़ें व्यर्थ हम समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सीधा से कट टू कट बात करता हूँ,
मैं उम्मीद करा था उससे भी पहले एक बार नोटिस मैंने दिया था आप लोगों को कि आप लोग शेयर कीजिए टॉपिक बाय, जो कम से कम जब जब से आप लोग कर रहे हैं उसको टॉपिक बाय टॉपिक लिखिए, तो भी आप लोगों में ये इश्यू है। चलिए कोई बात नहीं है, करने का प्रयास कीजिए, काम है ना, काम बेहतर करने का प्रयास। अगर सिलेक्शन लेना है, रैंक में आना है, तो काम आपका अलग दिखना चाहिए, नहीं तो लोग खिचड़ी ही बना रहे हैं ना। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ, इसे दिल पर न ले, बस सुझाव समझिए कि बेहतर कैसे किया जा सकता है। और डांट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक ना, बातें से नहीं सिलेक्शन सिलेक्शन होता, बात बनाने से नहीं होता है, बात बनाने से, ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन काम करने से होता, अपने में इम्प्रूवमेंट करने से होता है, तो उस पर वर्क कीजिए। और कोई टीचर आपको इस तरह नहीं बोलेगा कि नहीं काम करिए काम करिए, उसको क्या मतलब है, उसका फी तो बन रहा है ना, आप लोगों ने मुझसे पैक खरीदा, पैसा तो बन गया, अब आपका सिलेक्शन हो ना हो मुझे क्या मतलब है। पर मैं बार बार आपको ये बातें कंसर्न करता हूँ कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, किस तरीके से एग्ज़ाम निकालना, फिर भी आप लोग अनसीरियस होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ये दल विरोध के कानून के संदर्भ में पहले भी न्यूज एनालिसिस कराए हैं, अगर आप लोग को याद हो, अगर याद है आप सभी लोगों को, तो पहले भी दल विरोध दल बदल से संबंधित विरोधी कानून को मैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नवंबर या दिसंबर 2022 में कवर किया था, जब आपको उद्धव ठाकरे के पार्टी से संबंधित मामला आया था, याद आ रहा है, तो उसी संबंधित आपको कंसर्न याद रखना सारी चीज़ों को। आज के पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा, पीडीएफ में पिछला कल पीडीएफ, क्योंकि आज मैं हूँ और आज इवनिंग में क्लासेस भी होंगी, दैनिक जागरण का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी आंसर राइटिंग किया जाएगा, तो आप लोग सब आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आइएगा। तो इसको क्या करना, आपको याद रखना है दल बदल विरोध कानून के संदर्भ में क्या क्या बात की गई, 91 संविधान संशोधन क्या है उसके संदर्भ में बात करना है, यह संशोधन उन राजनीतिक दलों के सदस्यों, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक तौर पर, अनिवार्य बना देता है, जो वैधानिक सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं, उसके संदर्भ में बातें की गई थी, संशोधन के बल लाभ का पद बना नहीं रहना, बहुत से बातें की गई हैं। तो जो पहले आप लोगों को चर्चा किया गया, उस चर्चा को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आज की पीडीएफ में आप लोग अपडेट किया कर दिया जाएगा। आर्टिकल 102 क्या है, सदस्यता के लिए अयोग्यता संबंधित मामला क्या है, उस पर भी चर्चा की जा चुकी है। उसके बाद आप लोगों को और भी 102 ई और 198 ई की चर्चा है, उसे भी आप लोग को कवर कर लेना है, सभी चीज़ें की चर्चा की जा चुकी है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, देखिए इस टॉपिक के बारे में बताना है, किस सेक्शन में आएगा, पेपर कौन सा आएगा, टॉपिक कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए, आपकी अनुमति के बिना साझा डाटा नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा डाटा, और आपकी अनुमति के बिना साझा नहीं किया जा सकेगा डाटा। मैं आपको बताया था कुछ दिन पहले, 2 से 3 महीना पहले, डाटा सिक्योरिटी को लेकर याद है मैंने कंसर्न किया था। देखिए सेम टू सेम वही बातें सरकार ला रही है, अगर आप लोग उस न्यूज़ को देखे होंगे, जो बातें मैंने कहा था याद आप लोग करिएगा, कि जहाँ पर डाटा, क्योंकि मेरा कुछ डाटा मिसमैच हुआ था, तो मैंने वहाँ पर कंसर्न आप लोग को बताई थी चीज़ें, कि डाटा के संदर्भ में प्रोटेक्शन किस किस फील्ड में चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा विकल्प अभी तक नहीं है कि हम, मेरे डाटा का मिसयूज हो रहा, तो वो कहाँ कहाँ हो रहा, कोई जानकारी प्राप्त करने का तंत्र ही नहीं है। मैंने उस दिन आप लोग को नोटिफाई किया था, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने सब बातें बोली थी या नहीं बोली थी। फिर मैंने बताया था कि जवाबदेह कंपनी को बनाया तक नहीं गया है कि हाँ मेरे डाटा के, मान लीजिए मैं कोई कंपनी का सिम ले रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अपना डाटा साझा करता हूँ, तो उस डाटे को तुम कब कहाँ तक सुरक्षित रखे हो, मेरे साथ शेयर ही नहीं करेगा उपभोक्ता के साथ अपनी मर्जी से, हर बार मान लीजिए कोई ऐप डाउनलोड करते सारे परमिशन ऑटोमेटिक वो ले लेते हैं, मेरे पास विकल्प ही नहीं छोड़ता है कि वो मैं किसे स्काइप करूं। तो ये सब चीज़ें देखिए कंसर्न में बातें की जा चुकी है, और देखिए सेम टू सेम बातें आपको यहाँ बिल में आया है, तो जो बातें बताई जा रही है इसका मतलब वो चीज़ें सही हैं, तभी तो बताई गई थी ना कभी 2 महीना पहले। मैं तो ऐसा नहीं कि मुझे रात में नींद आया था, 2 महीना पहले सरकार ऐसी योजना ला रही है, लाने वाली है, जिसमें ये सब बातें होगी, जो समान रूप से मान्य बातें हैं वही तो लाई जाएगी ना एक्ट, किसी एक्ट में, किसी अधिनियम में। तो देखिए बातें यहाँ क्या की गई है, डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाने का प्रयास करेगी, जो कैबिनेट मंजूरी दे दी है, आगामी जो आपको स्टीम बजट जो आएगा मानसून सत्र में, संसद में जो बैठक होगी उसमें बात की जाएगी, ठीक, मानसून सत्र के संसद में पेश किया जाएगा।
जहां पर क्या क्या बातें की ये ध्यान रखिएगा। डाटा, डिजिटल डाटा शेयर की जानकारी लेना आपका अधिकार है, हो जाएगा। जब जो मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि मेरे पास डाटा, मेरा डाटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा मुझे ही नहीं पता है, तो उपभोक्ता के पास अधिकार क्या रहेंगे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, अब इसमें लागू नहीं होता किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मान लीजिए आप मेरा युक्ति आईएस का ऐप डाउनलोड किए हैं, युक्ति आईएस आपका डाटा को कहाँ कहाँ यूज करवा रहा है या कर रहा है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये आपके पास अधिकार थे? नहीं है, तो फिर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सभी कंपनियों के साथ होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर कंसर्न पहले भी बताया था आपको, याद हो अगर आप लोगों को। तो किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि डिजिटल डाटा गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वह निजी कंपनियों के साथ सरकार से भी अपने डाटा की जानकारी मांग सकता है। तो याद है मुझ पर कुछ दिन साइबर क्राइम का हमला हुआ था, तो मैंने डाटा शेयरिंग की बात की थी, याद है? तो मैंने कंसर्न किया था कंपनी को, मेरे डाटा को कहाँ कहाँ आप लोग शेयर किए हो, वैसे तो मेल तक नहीं मुझे आया। तो अगर याद हो, अगर ये 4 महीने पहले की बात है जहाँ पर मैंने इसके बारे में आप लोग चर्चा किया था। तो देखिए, सेम टू सेम चीज़ें आपके साथ अगर घटती है, तो इससे एक्सपीरियंस अगर करते हैं आप, तो उसके ड्रॉबैक को ढूंढते हैं क्या क्या ड्रॉबैक उस सिस्टम में है। तो देखिए, उस ड्रॉबैक को यहाँ नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब तक आप मूल मूल संदर्भ नहीं समझ पाएगा किसी किसी मुद्दे का, तो आप इसका एनालिसिस भी नहीं कर पाइएगा। कैसे, मैं पहले 3 से 4 महीने पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ, जो बातें यहाँ एक्ट में लिखी जाने वाली है। तो देखिए, अभी आगे भी आएगी, सरकार हो या बड़ी टेक कंपनियाँ, सभी को यह बताना पड़ेगा कि आपका डाटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने ये सब बातें बताई थी आप लोग को, डाटा का प्रोटेक्शन, गलत इस्तेमाल होने पर डाटा प्रोटेक्शन के बोर्ड शिकायत कर सकेंगे। अब एक बोर्ड का क्रिएट होगा। अभी अगर डाटा आपका लीक हो जाए, किसी प्रकार का पर्सनल डाटा या किसी प्रकार का आप डाटा, सिक्योर डाटा रखे हुए लीक हो जाए, तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? कोई तंत्र ही हमारे पास नहीं था। इस आपके डिजिटल डाटा किसी दूसरे के साथ आपकी इजाजत के बिना साझा नहीं कर सके। तो क्या मैंने ये शब्द यूज किया था उस दिन? याद कीजिए, मैंने बोला कि मेरा डाटा मेरे परमिशन के बिना कैसे कोई यूज कर सकता है। मैं यही बात दूसरे संदर्भ में बातें कर रहा है यहाँ पर पेपर में, मैंने तो यही बोला था आप लोगों ने, मेरी डाटा, मेरे डाटा को मेरे परमिशन के बिना कोई टेक कंपनियां या कोई सरकार ही कैसे यूज कर लेगी? जब तक मेरा इस डाटा पर मेरा अधिकार है ना, किसी भी सोर्स पर, मान ली मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूँ, किसी प्रकार का मैं अपना व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरा डाटा मेरा अधिकार होना चाहिए। तो मेरे अधिकार के बिना आप क्या कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, तो हमसे परमिशन ले रहे हैं। तो ये मौलिक अधिकार का ही मामला था। मैंने बताया था आपको कि यह केवल, आप इसे इस संदर्भ में मत समझिए कि यह डाटा आपका डाटा है तो सरकार की एसेट है, ये मत समझिए। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मेरा डाटा मेरा अधिकार, यह होना चाहिए ना। तो ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, आने वाले कुछ समय में ये स्लोगन बनेगी सरकार का, टेक कंपनियों को बनाना पड़ेगा, मेरा डाटा मेरा अधिकार। ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ ही दिनों में यह अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में यह सिस्टम चल रहा है। आगे हम बात करेंगे कानून बनने का, दिन भर आने वाले डिजिटल जो मार्केटिंग कॉल है, याद है मैं जियो का मेरा जो इशू हुआ था कुछ दिन पहले ही, मैंने आप लोग को बताया था जियो का इशू, जो बार बार कॉल आ रहा था, यहाँ तक कि बोली जा रही थी कंपनी के द्वारा कि आप रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने वहाँ पे बताया था डिजिटल मार्केटिंग के खिलाफ खिलाफ बोर्ड शिकायत कर सक पाएंगे अब हम लोग। तो ये कंसर्न मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था कि देखिए कैसे मैनेजमेंट है। कोई भी जियो का डायरेक्ट कॉल आया, मैंने मेल किया तो वहां से मैसेज आया, पर किसी रिप्रेजेंटेटिव का कॉल तक नहीं आया कि नहीं सर आपको क्या इशू है। तो कंसर्न कैसे सुना जाएगा कि मुझे क्या दिक्कत हो रहा है इस डिजिटल मार्केटिंग के, आपके मार्केटिंग के बार बार दिन भर में 10 कॉल किया जा रहा है, उससे क्या व्यक्तिगत मानसिक क्षति हो रही है, या क्या कोई और भी विकल्प हमारे पास दिए जा सकते हैं जिसके आधार पर मार्केटिंग का आप लोग मार्केटिंग भी कर लीजिए, मेरा निजता भी उल्लंघन ना हो। तो ये मामले मैंने बताया था जियो के मामले में, जब मुझे 2 महीना पहले, और उसका मेल भी मेरे पास है, आप लोगों को चाहिए ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। यही बातें मैंने उस दिन भी कहा था, आपकी मर्जी के बिना आ रहे उस नंबर को सबूत मानकर शिकायत करेंगे। तो मैं नंबर भी शेयर किया था, याद है आप लोग को? जाइएगा ट्विटर पर, मेरे ट्विटर पर जाइएगा, वहां पर चीजें आपको मिल जाएंगी कि नंबर मैंने शेयर किया था, जियो को बोला था, सरकार को नोटिफाई कराया था। तो देखिए वही बात है कि नंबर को सबूत मानकर भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी को सरकार कहीं ना कहीं क्या कर रही है, मान रही है। तो ये आप जब तक आकलन करना सीख जाइएगा, तो आप भी इन सब चीजों को एनालिसिस करने चलिएगा।
अब देखिए कंपनी बिल पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाएगा और 500 करोड़ रुपये का गुंजाइश है उसे बढ़ाकर। तो मैंने क्या बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ना, किसी भी उल्लंघन के लिए आप नजीर पेश करने लिए सजा करिए, नहीं तो सिस्टम ऐसे ढुलमुल तरीके से चलेगा। यह कंपनी का 500-250 को बड़ी राशि नहीं है, पर उसके लिए सीख होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक के साथ मुझे इतना जुर्माना लग सकता है, तो 10 के साथ हो तो 2500, 2500 हो जाएगा। 100 के साथ मैं कर रहा हूँ तो और भी बढ़ती जाएगी राशि। जितने लोगों के साथ करेंगे तो कंपनी बिजनेस करेगी, इसी को मैनेजमेंट करेगी। तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी सब मामलों को स्वतः समाप्त कर देगी। तो मैंने क्या बताया था, नजीर पेश करने वाली सजाएं होनी चाहिए। तो देखिए नजीर पेश करने वाली सजाएं आ रही है। अगर एक किसी के मामले में 250 करोड़ का जुर्माना किसी कंपनी को लग रहा है डाटा सुरक्षा के नियमों को उल्लंघन के मामले में, तो सोच लीजिए ऐसे 100 भी मामले आ गए जिसमें उसको 250-250 करोड़ रुपये जुर्माना लग गया, या अधिकतम 500-500 करोड़ का जुर्माना लग गया। तो सोच के देखिए, 500 गुना कर दीजिए 500 करोड़ को, तो कितनी रुपये राशि होती। कभी भी कोई कंपनी डर के मारे अब करेगी नहीं भाई, हम अगर ऐसा मामला, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कोई कुछ कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, उसके मामले कंसर्न सही हो गए, जांच मामले बैठ गए, तो हमको 500 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ जाएगा। तो नजीर पेश करने वाली सजा आई। तो मैं क्या बोला, किसी भी मामले में अगर रोक लगानी तो नजीर पेश करने वाला मामला, वो किसी कंपनी के क्षेत्र में हो, NGT का मामला हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मामला, या अन्य किसी की बात की जा रही है, तो बलात्कार के मामले, महिला सुरक्षा के बारे में मामले में नजीर पेश करने लगे, जब तक हम लोग सजा प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ये रुकने वाला है नहीं। नहीं तो ऐसे ही ये लोग, फिर मान लीजिए अभी कहीं NGT के मामले में याद है कि 1 लाख था कि 5 लाख था, 5 लाख जुर्माना देना था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 5 लाख दे दिया और पल्ला झाड़ लिया, तो हाई कोर्ट ने उसे क्या कहा, डांट फटकार लगाई, केवल जुर्माना दे देने मात्र से आपकी है ना जवाबदेहता समाप्त नहीं हो जाती। वैसे ही आप इसे समझिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, किसी भी विवाद के कोर्ट में नहीं ले जाकर वैकल्पिक विवाद समाधान ADR यानी मध्यस्थता के माध्यम सुलझाने की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत बड़ा विकल्प विकल्प दिया गया है कि मध्यस्थता कानून, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी अगर याद हो तो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने आप लोगों को कवर नहीं किया, बस आप लोग क्या करते हैं, ढुलमुल रवैया करते हैं और कुछ नहीं करते हैं बस। अगर सीरियस होकर चीज़ों को करिएगा ना, सीरियस होकर कि मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन क्यों लेना है ये अगर पता रह गया, तो आप सारी चीज़ों को करिएगा जो आप लोगों को गाइड जिस तरीके से किया जा रहा है। आप पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंस्टीट्यूट, जितना भी इंस्टीट्यूट है, सारे जगह छान मारिएगा। ये चीज़ें अगर आपको बताई जा रही होगी इस तरीके से, तो आप स्वयं डिसाइड कीजिए क्या करना है नहीं करना है। बड़े बड़े फी आप लोग 1 लाख रुपया फी देते हैं, 1 लाख से 2 लाख रुपये फी देते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर भी आउटपुट उसका जीरो आता है ना। यहाँ पर मैं मात्र आपको पहले कितना लिया था, 499 लिया, फिर 799 और फिर अभी 999 हुआ। मात्र 999 में आपको सारे सब्जेक्ट का जीएस करेंट का आपको कवर करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग सीरियस नहीं होते हैं। अब देखिए, आप गूगल और फेसबुक जैसे बड़ी टेक कंपनियां साथ साथ अन्य निजी संस्थाओं पर देश से बाहर डाटा साझा करने की इजाज़त नहीं होगी। यह जो लंबे समय से जो विवाद था, याद है आप लोगों को पहले भी कवर किया गया है, जब गूगल और फेसबुक का मामला आया था, इस मामले में, इस सुझाव में लगभग 21,666 सुझाव प्राप्त हुए, 48 निजी संस्थान ने, 30 से अधिक सरकारी विभागों ने गहन चर्चा किया। और यह बल जो डाटा प्रोटेक्शन का बिल है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन का बिल जो है 2018 से मामला है, 2019 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया जिसने अपना सुझाव के साथ पेश कर दिया। अब यह क्या जाएगा, संसद के पटल पर जाएगा, वहां पर चर्चा होगा। तो चलिए आगे, आप लोग नेक्स्ट टाइम से ये सब गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बातें मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ फिर भी आप लोग नहीं करते। देखिए होता है कि जब सामने वाला आपके लिए 100% दे रहा है ना, तो आपको भी 100% देना ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि यस बेहतर विकल्प नहीं बना पाएगा ना। सोच के देखिएगा, रेंडमली या किसी से कुछ मांगा जाता है तो वो आप डाटा शेयर नहीं कर पाते हैं, रीजन है, और कुछ सवाल जवाब भी कर लिया जाए तो सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, एक्सक्यूज देंगे, मैं नेपाल में हूँ तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं फलना जगह हूँ, मैं शादी ब्याह में आया, मेरी बीमारी थी। अरे बीमारी कुछ दिन होगी, शादी कुछ दिन गए होंगे, नेपाल किसी कुछ दिन गए होंगे ना। सोच के देखिएगा, स्वयं आकलन कीजिएगा, 10 मिनट समझिएगा, एक्सक्यूज देने के लिए मैं कितनी बार, दीप रीता जी का आप लोगों को फोटो शेयर किया तो उसमें कुछ लाइन लिखा हुआ था,
सफलता के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, सफलता के लिए अपनी सीमा से हद से बाहर जाके काम करना होता है तो ही सफलता प्राप्त होता है, फिर भी आप लोग चीज़ें एक्सक्यूज देते हैं। अब देखिए, ऑफिस कंप्यूटर में गेम लोग डाउनलोडिंग ना करें, केंद्रीय कर्मी या सर्कुलर जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय के द्वारा। यह क्यों किया गया है? इसलिए कि या गेमिंग जो प्रोग्रामिंग जो गेमिंग का जो पार्ट होता है वो आपको क्या करता है, डिजिटल डाटा को और आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अनलीगल तरीके से यूज करता है। तो सरकारी कर्मचारी होंगे अगर डाटा का यूज करते तो क्या होता है, इस प्रकार के मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, तो सारे के पॉइंट को आपको एक बार देख लेना है, कवर कर लेना है, ठीक है ना? ज़्यादा कुछ में जानकारी नहीं रखना है। और 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में साइबर सुरक्षा के सख्त नियम है। मैंने याद है साइबर जब हमला हुआ था मुझ पर आज से 3 महीने, जनवरी के आसपास हुआ था, तो मैंने साइबर सुरक्षा के मामले को लेकर आप लोगों से बातें भी की थी, क्या क्या इशू है साइबर सुरक्षा। सोचिए, देखिए मैंने कंप्लेन किया था तो नेशनल साइबर क्राइम से लेकर स्टेट, झारखंड स्टेट साइबर क्राइम तक मैंने सभी जगह कंप्लेन किया, मेल किया, उसका आज तक मुझे रिप्लाई मैसेज तक नहीं आया। बस लोकल पुलिस क्या करती थी, कुछ 2 महीने पहले तक केवल सप्ताह में अपना खाना पूर्ति करती थी, बस नंबर लेती थी, खाना पूर्ति करती थी। अब उस स्थिति का क्या स्टेटस हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर कुछ कंप्लेन होगा सीधे मैं पीएमओ ऑफिस और राष्ट्रपति भवन तक को कंसर्न करूंगा, तो मंत्रालय तक तो कंसर्न करूंगा, तब समझ में आएगा व्यवस्थाओं को कैसे काम करना है। तो बात यहाँ समझिएगा कि आपके पास जो व्यवस्था है उसका बेहतर विकल्प आप कैसे तलाश सकते हैं। आपके पास इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए, एनजीटी के मामले में फिर एक मामला विवाद आया, सुलझने को आया। तो एनजीटी से संबंधित मुद्दा को मैंने 4 सितंबर 2022 को कवर किया, आप लोग जाके वीडियो देखिएगा या पीडीएफ देख लीजिएगा 4 सितंबर को, और उसके बाद भी दिसंबर के आसपास भी मैंने टॉपिक को कवर किया हूँ। और जहाँ पर 2500 करोड़ 5000 करोड़ का जुर्माना एनजीटी के द्वारा लगाया गया था नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल के बारे में के द्वारा, तो उस समय मैंने चर्चा किया था, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेशनल एनजीटी क्या होता है, इसका आधिकारिक आधिकारिक क्षेत्राधिकार क्या है, किन किन मामलों में यह जांच कर सकता है, वर्तमान में वह कितने अधिकतम जुर्माना लगा चुका है अभी तक। तो ये सब मामले आप लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि पहले भी पीडीएफ आप लोग को दे दिया जा चुका है और आप लोग को यह वीडियो भी कराया जा चुका है, तो इसलिए सब आंसर नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अरे आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा, जो की नोट्स बना रहे हैं, की नोट्स बना रहे हैं, उस की नोट्स को रट जाइए, चटनी जिस तरह चाट चाट के खाते हैं सभी लोग ना, उस तरह खाइए, ये ही आपको सफलता दिलाएगा। अगर मान लीजिए 100 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है मान के चलिए, तो ये आपको 70 से 80 नंबर का कोर्स कंप्लीट करवा रहा है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो केवल आपको 20% और मेहनत एक्स्ट्रा करना है, 20 से 30% जो आप समग्र रूप से कहीं ना कहीं से कर ही रहे होंगे, तो फिर भी आप लोग इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को अच्छे से। अब तमाम निर्देश के बावजूद भी एनजीटी ने क्या क्या, यमुना का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, तो देखिएगा आने वाले कुछ ही समय में दिल्ली सरकार पर जुर्माना बेजोड़ तरीके से लगेगी, जिसमें 2500 करोड़ 5000 करोड़ 7000 करोड़ तक जा सकता है। तब समझ में आएगा दिल्ली सरकार को क्या करना है, एलजी को क्या करना है, सभी को समझ में आ जाएगा। तो अभी वेट कीजिए, कुछ ही दिनों में मामला अगर नहीं सुलझा पा रहा है दिल्ली सरकार, तो समझ में आ जाएगी, चलो 5000 करोड़ हमें जमा करो। अब मैं ये क्यों बोला था नजीद पेश करने वाला सुझा होना चाहिए, इसलिए कि जब बजटीय आवंटन ही उस विभाग को कम होगा और जुर्माना अधिक होगा, तो सरकार स्वयं कंसर्न लेना शुरू कर देगा, अरे भाई तुमको तो विभाग में पैसा हम कम देते हैं, तुम्हारा जुर्माना ही ज्यादा आ रहा है, तुम एक्टिव मोड में काम करना शुरू करो, तो जुर्माना कैसे आ जाएगा, तो कंसर्न आप काम शुरू हो जाएगी। बहुत जगह जहाँ जहाँ जुर्माना लगता है अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए, तो वहाँ काम सही हो जाती है। तो एनजीटी अब कुछ ही दिनों में, वेट कीजिए, अगर नहीं 1 से 2 महीना में यह सही करता है, दिल्ली सरकार नहीं करती इसे, यमुना के प्रदूषण को कम करने में काम नहीं करती है, तो देखिएगा एनजीटी इस पर नजीर पेश करने वाला जुर्माना लगाएगा, जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनेगा। वेट कीजिए आप लोग कुछ दिन इसका। अब देखिए, यहाँ बातें बहुत सी की गई है, इसको बस याद रखना, कंसर्न रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए, एससीओ में चीन बीआरआई के खिलाफ अकेले खड़ा रहा भारत, सभी देश उसका चीन का सहयोग दिए, क्योंकि ये आर्थिक गलियारा उसे दे रहा है, तो चीन का कंसर्न वहाँ बनता है अन्य देशों के साथ, पर भारत का क्या कर रहा, भारत के प्रधानमंत्री
पाक अधिकृत क्षेत्र से वो गुजर रहा है तो भारत उसे क्या नहीं दे रहा, समर्थन नहीं दे रहा है। जब राष्ट्रीय एकता अखंडता के मुद्दे हैं भारत के, तो इसके संदर्भ में बातें की गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो है, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कई दफ़ा चर्चा हुआ, CPEC की चर्चा हुई है, मोतियों की माला की चर्चा हुई है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर भारत के भू क्षेत्र से बाहर जाए चल कर दिया जाए, मान लीजिए चीन यह आने वाले समय में करता है, तो पाक अधिकृत क्षेत्र से इसे CPEC को न ले जाके अलग से ले जाता है, ऊपरी क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान से एंट्री लेता है, तब भारत के पास क्या विकल्प होंगे? भारत को इसके भी तलाश करनी होगी आने वाले समय में, क्योंकि विवाद बढ़ रहा है ना। अगर मान लीजिए किसी संगठन में एक राष्ट्र उस अपने राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए उसके पूरे पूरे मैकेनिज्म पर प्रभाव डाल रहा है, तो वो इसका विकल्प तलाश करेगा ना चीन, कि नहीं करेगा? सोच के देखिएगा। तो भारत आने वाले समय में इसके अन्य विकल्पों पर इसे तैयार रहना होगा, यहाँ से समझ में आता है। यहाँ पर देखिए बात की गई है, क्या की गई है, जब SCO में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें बताया गया कि चीन BRI कार्यक्रम के तहत रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने इसका समर्थन किया, भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत के अपने राष्ट्रीय एकता अखंडता का मुद्दा है, इसे ध्यान में रखना आप लोगों को है। 2030 तक SCO के तरफ से सदस्य देशों के लिए आर्थिक एजेंडा 2030 तय किया गया था, जिसका भारत का समर्थन नहीं मिला। रीजन उसके पीछे है क्या? आर्थिक समीक्षा वही जो रोड इनिशिएटिव वाली बात हो रही है चीन की, उसकी बात हो रही थी। तो भारत ने इसे क्या किया? समर्थन नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से आया संयुक्त घोषणा पत्र के मुताबिक शीर्ष नेता का मानना है कि SCO जिन सदस्यों के आर्थिक विकास रणनीति की बात कर रहा, स्वीकार किया, उसके लिए उसे लागू करना जरूरी है। पर जहां तक BRI का सवाल है, तो भारत चीन के कनेक्टिविटी परियोजना का विरोध करने वाले सबसे पहला देश और अंतिम देश भी है, एक एकमात्र देश है। तो भारत मुख्य तौर पर क्या कर रहा है? BRI के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर होकर बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC के आपत्ति है। कश्मीर यह भारत का अखंड है, भारत क्षेत्र है, हिस्सा भारत का अविभाज्य अंग है, जिस पर पाकिस्तान अवैधानिक तरीके से क्या हुआ, कब्जा हुआ। तो आपको मैंने कभी कुछ बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बहुत से कार्य अच्छे किए गए, पर कुछ नासूर भरे कार्य किए जो हमें हर क्षेत्र में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वही कंसर्न आप लोग ध्यान रखिएगा। नो डाउट जवाहरलाल नेहरू ने भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, पर उनके द्वारा जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसका खमियाजा पूरे देश को आने वाले लंबे समय तक उसको भुगतना होगा, जिसमें आपको अवैध कश्मीर का मामला भी देखने को मिल रहा है, जो भारत के POK आपको अपनाए हुए कश्मीर, पाकिस्तान जिसे अधिकार जमाता, UN में इसका कंसर्न, अभी मामला चल रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, संयुक्त घोषणा संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता जैसे मुद्दों का जिक्र नहीं है जो भारत का कंसर्न था, तो यह मामला ऐसे ही रह गया है, तो वेट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइया और जस्टिस भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन ये बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं, जज हैं, और उनका नाम क्या क्या है, बताने का प्रयास कीजिएगा। कॉलेजियम से मामले का न्यूज आप लोग 14 नवंबर और अक्टूबर में और शायद जनवरी में भी मैंने किया है, अगर याद हो तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। PDF आपका मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वीडियो भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को, प्रीवियस PDF को। और जो भी आपको अंडरलाइन टॉपिक किया जा रहा, सभी लोगों का टॉपिक का नाम, पेपर आप लोगों को बताना, टॉपिक में पेपर कौन सा पेपर से आ रहा है, कौन से टॉपिक से है, तो आप लोगों को सबको बताना। अब मैं कुछ दिनों तक ही नहीं दूंगा, देखूंगा कि आप लोग कितने तरीके से काम कर पा रहे हैं। जब तक आप लोग सीधा होकर काम नहीं कीजिएगा, तब तक मैं आप लोगों को परेशान करूंगा। जब तक आप सीधे रास्ते से चलना नहीं शुरू कर दीजिएगा, कि यहाँ से मान लीजिए आपके होम से आयोग के रास्ते तक सीधा रास्ता नहीं चलेगा, तब तक मैं आप लोगों से यही काम करवाऊंगा। अभी आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं ना, सब मैं घुमाना बंद कर दूंगा। जिधर जिधर घूम के पहुंचना चाह रहे हैं ना, सीधा स्ट्रेट लाइन चलिए, एक साल में सिलेक्शन लेकर जाइए, तो याद आएगा कि नहीं, इतनी डांट क्यों पड़ती है, ठीक है ना? मेरा बस चले तो सबको पिटाई भी करो, तब समझ में आएगा आप लोगों को। पर तुरंत पिटाई करूंगा, आप लोग केस कर दीजिएगा, तो हो गया, मैं जेल जाऊंगा, हवा खाऊंगा, फिर निकलूंगा, फिर पिटाई करूंगा। सोच लिए मैं उस टाइप का टीचर हूँ। जब तक आप लोग सीधा रास्ता चलना सीखिएगा नहीं, अब 8 महीने से मैं ये बार बार चीजें समझा रहा हूँ कि टॉपिक कैसे होता है, UPSC GS Paper 2, उसके बाद टॉपिक क्या है,
तो आप लोग एससीओ लिख के भेज रहे हैं भाई साहब, कोई कोई एससीओ लिख के भेज, एससीओ सब टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है, किसी ने जीएस पेपर थर्ड में डाल दिया है, तो ये कोई तरीका होता है बताइए आप ही लोग। चलिए, चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया, केरल के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का एस वेंकट वेंकट रामायण नारायण भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश कर दी गई है कोलिजियम के माध्यम से। अगर ये मंजूर हो जाती है सरकार के द्वारा, तो न्यायाधीश के कुल 34 पदों में से 21 की नियुक्ति हो जाएगी, काम करने कर रहे हैं वर्तमान में, तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाए, तो एक पद खाली रह जाएगा, तो उनकी भी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत कम ऐसे विरले मौसम अवसर आते हैं जब 34 में 34 न्यायाधीश काम करने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रधान न्यायाधीश कोलेजियम में कौन कौन शामिल थे, तो आपको चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, और भी जस्टिस शामिल थे, कुल 5 लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी कोलेजियम की व्यवस्था की गई है। अब कोलेजियम क्या करता है, इसके बारे में पहले भी चर्चा किया जा चुका है, तो इसे आप लोग को पहले की न्यूज से देख लेना है, ठीक है ना, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसे देख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं समय की बाध्यता है। चलिए आगे, दिल्ली और चेन्नई के बाद अब मुंबई में कूटनीतिक केंद्र खोलेगा ताइवान। तो ताइवान और भारत के संबंध, और ताइवान चीन संबंध पर जो विवाद हुआ था, तो मैंने 4 अगस्त 2022 को इसका न्यूज़ कंसर्न याद आप लोगों को कवर कराया है। सबसे पहले तो उसे आप लोग देख लीजिए क्या क्या मुद्दा है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है कि भारत में या ताइवान क्या कर रहा है, मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने को तैयार है, जहां पर पहले दिल्ली और चेन्नई में पहले ये खुल चुका है। तो कहाँ कहाँ खुलेगा, 3 इसका हो जाएगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा। तो पीटी फैक्ट तो आपको यहीं से पहले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारत के साथ लगातार ताइवान संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि आर्थिक उसके हित है, और जिसमें हाल ही में याद होगा सेमी कंडक्टर के तौर पर भारत में फॉक्सन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, जहाँ पर ताइवान की कंपनी थी। उससे साथ ही साथ आपको एक और भी याद रखना है, ताइवान की टेक कंपनी है जो भारत में इन्वेस्ट कर रही है सेमी कंडक्टर के, जो एप्पल का निर्माण कर एप्पल के सेमी कंडक्टर का निर्माण करती है, पार्ट्स का निर्माण करती है। इस प्रकार 2 कंपनियां जो है, फॉक्सन और पेंटागोन, याद रखिएगा, पेगाट्रोन, फॉक्सन और पेगाट्रोन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा भारत में सबसे बड़ी राशि के तौर पर। तो भारत के रिश्ते और भी बेहतर होने वाली चांसेज हो जाएंगे। तो भारत, याद रखिएगा, ताइवान का यह फैसला उन उन दिनों आया जब भारत ने उसे 12 देशों में शामिल किया, उन 12 देशों में जिसके साथ भारत बेहतर आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने का खास जोर दे रहा है, या रणनीति बनाए हुए। तो 12 देशों में ताइवान भी आता है, तो अन्य जो 11 देश है उसकी आप लोग चर्चा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के भेजिएगा, तो वेट करूंगा मैं कितने लोगों का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बहुत काम मैं करवाऊंगा आप लोग से, इतना काम करवाऊंगा कि सिलेक्शन होके ही रहेगा, बस आप लोग करिएगा तब ना, क्या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंजॉय लग रहा है, जाट खाने में सभी लोगों को मजा लग रहा है, नाश्ता पानी आप लोग नहीं किए होंगे आज, सोच के देखिए, सुबह में 8 बजे से पेपर से 8 से 10 तक पेपर अंडरलाइन करता हूँ, टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा टॉपिक कब कवर किया गया सारे आंकड़े निकालता हूँ, उसके बाद 10 से लेकर आप लोग का वीडियो एनालिसिस करता है, 11 बज जाता है। इस 3 घंटा जब मुझे समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है उसमें देखिए, उसका आउटपुट आप लोग क्या देते हैं, 0 देते हैं। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है। अब देखिए, शहरीकरण और से हासिल हो सकती है भारत के 8 से 9% की वृद्धि। अभी कांत कुमार के अभी अभी अमिताभ जो कांत है, जो G20 शेरपा भी हैं, उनके द्वारा बात की गई। कहाँ बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग और शहरीकरण पर ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले क्या बताया था आप लोगों, याद कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बताया था कि भारत में अगर विकास करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कीजिए, तो हम इसे 2-3 हित पा सकते हैं, चीन की प्रतिद्वंदता को हम समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके बाद बाजार का वृहद रूप हम अपना सकते हैं, और उसके सस्ते बाजार हम बनवा सकते हैं, सस्ते प्रोडक्ट बनाएगा तो हम अन्य भी बाजार को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे यहाँ बचत होगी तो क्या होगा, और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में मैंने ये चर्चा किया हूँ, याद है तो मैं कमेंट सेक्शन कीजिएगा, याद नहीं है तो जाके देखिए, सुनिए, पढ़िए। और शहरीकरण के लिए ध्यान में देना, तो इसमें 9% की वृद्धि देगी, तो भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक नाम से ये रिपोर्ट आया है, यह रिपोर्ट आप लोग अच्छे से देखिएगा, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जहाँ पर जनगणना मापदंडों के हिसाब से लगभग 5500 छोटे शहरों का नियोजन
जरूरत है और इसका समाधान पर्यावरण के लिए शहरीकरण होना चाहिए। चुनौतियों का जिक्र करते हुए क्या कहा गया इनके द्वारा कि देशों के दक्षिणी भाग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, जबकि पूर्वी भाग क्या हो रहा है, आपको कम विकसित हो रहा है उसके अनुपात में। तो जरूरत है देश में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हिस्सा को और भी बृहद करने का। तो आबादी वाला हिस्सा क्षेत्र कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान, ये सभी क्षेत्र है ना, तो वहाँ शहरीकरण को और बढ़ावा देने की जरूरत है। चलिए आगे हम बात करेंगे समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को उभार रहा है यह रिपोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ेगी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं को क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा, उसकी पहुंच स्थापित करनी होगी, यह सब मांग चीजें बढ़ेंगी। तो मैंने क्या बोलता हूँ आप लोग को, डिमांड और सप्लाई पर कार्य होता है, सभी सेवाओं की आपूर्ति होती है। तो लीजिए फिर सही हो गया, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई हम लोग को देना होगा। तो राज्य की एजेंसी भी हो या प्राइवेट कंपनी भी हो, उसको राज्य की एजेंसी को क्या करना होगा, आपको चीजें देनी होगी, नहीं दीजिएगा तो फिर इशू यही होगा कि मिसमैच हो जाएगा, सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो करवाने के लिए आपको देना ही होगा सारी चीजें। अब याद रखिए 2047 तक भारत पूर्ण विकसित देश बनने में अपना, वास्तव में यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग के भारत विकसित देशों की गाथा बनने को तैयार है। सब चीजें आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए नीचे आ जाएंगे। लगातार बोलता हूँ गला दर्द करने लगता है। देखिए केस स्टडी आप लोग आया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब का जो मामला था पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो अवैध निर्माण उसका तोड़ा गया। तो मैंने आपको क्या बोला, इस प्रकार के किसी भी मामले में नजीर पेश करने वाले मामले होना चाहिए। केवल घर तोड़ देने मात्र से उसका नजीर पेश थोड़ी हो जाए, उस व्यक्ति को जितना भी सक्षम कानून है बना के उसको देना चाहिए। रीजन उसके पीछे है, जो भी कानून है उसे जरूर देना चाहिए। रीजन उसके पीछे ये, अगर मानक तय कर दीजिएगा तो अन्य लोग भी इसको प्रोत्साहित होकर काम नहीं करेंगे। हाल ही में बिहार में हुआ कि एक मामला, कोई व्यक्ति विशेष उसे पीट रहा है। तो ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां पर वर्चस्वता का सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया जाता है, और कोई इसका इशू नहीं है कि हम तुमसे वर्चस्व रखते हैं, तुमसे ज्यादा, तो हमारा प्रभुत्व तुम स्वीकार करो, यही मामले आते हैं। तो भारत अब लोकतांत्रिक देश है, सभी के हित समान है, तो इसके लिए आपको ये सब प्रक्रिया से गुजरना हो। केस स्टडी आपको यही समझाता है। आपसे पूछा जा सकता है इस मामले में आप क्या कंसर्न लेते हैं, एक तो इस व्यक्ति विशेष का, आदिवासी महिला, आदिवासी पुरुष का हित तो है ही, पर उसके अन्य भी क्या, अन्य सामाजिक मुद्दों को भी उभारना है जिसमें आप बात कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप लोग लिख के भेजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अब कराया जा चुका, अब आप लोगों से आउटपुट लिया जाएगा। अब जाति आधारित जनगणना बिहार का सरकार पक्ष रखी है, कुछ मुद्दे रखे हैं, निजता का उल्लंघन नहीं माना है बिहार सरकार ने इस मामले में। तो आगे आने वाले जब फैसला होगा उस पर हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इस टॉपिक को अभी फिलहाल रोके रखते हैं ताकि जब फैसला आएगा उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए केस स्टडी एक और है कि अगर बेहतर कार्य क्षमता अगर हो, अगर हम ठान ले कि हमको बेहतर प्रशासन देना है, बेहतर शासन की प्रक्रिया को अपनाना है, इसका उदाहरण नदी जल परियोजना का एक छोटा सा अंश जो पूरा किया गया उससे देखा जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो, तो हम और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि इंजीनियरिंग का जो गुफा बनाया गया है, गुफा से पानी आएगा। पहले क्या हुआ, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सीप और कोनार नदी जलो जो जल परियोजना है, ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें क्या किया गया, पहले बांध बनाया गया, नहर और सुरंग के साथ भौगोलिक स्थिति में इसमें लाभ लिया गया, बिना लिफ्ट योजना के यह जरूरत किया गया। लिफ्ट योजना आपको योजना है ना, नदी जल परियोजना क्या है, लिफ्ट योजना के तौर पर लिया जाएगा, जहाँ ऊंचा स्थान होगा नीचे से लिफ्ट किया जाएगा पानी को। पर यहाँ पर क्या किया गया, वो तकनीक को ना अपनाते हुए बांध, नहर और सुरंग के माध्यम से भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में यह नहर जोड़ा गया है। तो एक नया इंजीनियरिंग मॉडल आया है, तो इसे आप लोग केस स्टडी के तौर पर देखिएगा। नर्मदा की सहायक नदी सीप नदी क्या है, 12 किलोमीटर यात्रा कर नर्मदा की सहायक नदी के तौर पर जान कोनार में बने बांध का जलाशय पर अपना आसानी से पहुंच जाती है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, इसके वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे टॉपिक है दुष्कर्म पीड़ितों का सहारा। तो आज जसवाल सर ने आपके डीसीए क्लास में आज एक टॉपिक कवर किया है, तो अच्छे से जाके आप लोग देखिएगा उस डीसीए क्लास को। बाकी चीजें आगे बढ़ते हैं, देन डेली करंट अफेयर्स में आज सर ने क्लास लिया है इसका ना, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, अच्छे से चर्चा की गई है, संबंधित तमाम पहलुओं पर भी समग्र हो विचार।
ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता उनके द्वारा रीना गुप्ता के द्वारा बोला गया है, तो कुछ नेगेटिव बातें जो कंसर्न कराई गई है, रेखांकित किया गया, उसे क्या करना है आप लोगों को, राइट डाउन करना है। तो जिसमें कुछ बातों को इन्होंने चिंता किया है, हालांकि देखिए ध्यान रखिएगा ये व्यक्तिगत विचार है ना, व्यक्तिगत विचार है। जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता सरकार का जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता है कि हम आने वाले समय में किस प्रकार से मुद्दों को रख कर नियम बनाएंगे, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, अभी आकलन ही कर सकते, आकलन मात्र ही कर सकते। इनके द्वारा आकलन ऐसा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, या मैं भी आपको बातें बताऊंगा तो आकलन ही होगा ना। जब तक ड्राफ्ट सरकार के मन में क्या चल रहा, सरकार किन किन मुद्दों को उठाएगी, वो सब मुद्दे जब तक नहीं समझ पर मोटे मोटी बातें मैं इतना बता दूं कि जो बातें इनके द्वारा की जा रही है ना, केवल वो कल्पना मात्र है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ऐसी व्यवस्था कोई कायम हो ही नहीं सकती है जहां पर हम संपूर्णता की बात कर सके, पर उसमें हम कुछ अंश तो ढूंढ ही सकते हैं ना, संपूर्णता के अंश को। अब इनके द्वारा कुछ बातों को रखा गया, जब इसका आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर बातें की गई है, मैं आपको अंडरलाइन किया, उसे मैं दिखाता हूँ कि यूनिफॉर्म हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या आप लोग मुझे बताइए, देश में आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी नहीं लाता है, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो क्या देश में सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं डेवलप करता? हाँ, अन्य क्षेत्र को और डेवलप करने की जरूरत है तो किया जाएगा, आप डिसाइड कीजिए, आप सरकार को लिख के भेजिए, सरकार इस पर काम करेगी, कोई आने वाली सरकार काम करेगी। फिर इसका यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हाँ ये जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। तो इससे भी पहले आपको सरकारें काम कर चुकी है इसके मामले में कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी है सभी के लिए एक होनी चाहिए, बातें की जा चुकी है। बस इस पर मुद्दा है, पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम उन मुद्दों को सुलझाएंगे जिसमें हम यूसीसी के मुद्दे शामिल है ना, पहले उसको सुलझाएंगे तब नहीं इसे प्राप्त करेंगे। अब मान लीजिए इसी को हम पहले लाना चाहेंगे तो बताइए यूसीसी के जो मुद्दे रहेंगे, धार्मिक मुद्दे रहेंगे, कानूनन मुद्दे रहेंगे, उसको सुधार करने की आवश्यकता होगी ना। तो ध्यान रखिएगा यूसीसी एक क्या होगा, अम्ब्रेला योजना होगा जिससे अन्य योजनाएं को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है, यूसीसी एक अम्ब्रेला योजना बनेगा, जो अम्ब्रेला आपको इसको कह सकते हैं, लो बनेगा, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अन्य जो हमारे पास अधिकार हैं उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं, अन्य कानूनों को सुरक्षित कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं आसान प्रक्रिया से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी बातें की गई, विधि आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की गई है कि विधि आयोग ने मात्र 30 दिन के समय दिया है, तो आपको इसका डाटा नहीं पता कि कितने लोगों ने इस पर कंफर्म इस पर अपना सुझाव दिया है इस 30 दिन में? तो सोच के देखिएगा, 24 से 25 लाख है ना, तो बहुत बड़ी संख्या होती है 24 से 25 लाख। कितने लोग की आशा कर रहे हैं कि विधि आयोग पर ऑनलाइन जाके सुझाव देंगे? आप 10 लोगों में से 1 से 2 लोग ही होते हैं जो सुझाव सरकार से जुड़े हुए मुद्दे को क्या करते, सुझाव देते, बाकी 9 को तो ये भी नहीं पता है कि होता क्या है सुझाव, है ना। सोच के देखिए कहाँ सुझाव करना है ये भी नहीं पता होता। तो जो लोग एक्टिव मोड में होते हैं उसमें तो लगभग लोगों के सुझाव आ चुके हैं, और कुछ लोग अभी 15 जुलाई तक डेट है, और भी आने की संख्या है, और भी लास्ट समय में बढ़ सकती है, आकलन तो 25 लाख का है ना। तो याद रखिएगा ये सब आंकड़े रखिएगा ध्यान, मिस मैच मत होइएगा। अब यहाँ पर बात इनके द्वारा किया जा रहा है कि भाजपा सरकार यह दायित्व बनता है कि पहले अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दे, ध्यान देना चाहिए। आज भारत में बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है, और देश में आर्थिक विषमता व्यापक रूप से कायम है, स्कूलों में अस्पताल तो हालत किसी भी छिपी नहीं है। बिल्कुल यह कहा जा सकता है कंसर्न कि ऐसे मुद्दे पर कार्य करना चाहिए, सरकार को कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। पर केवल एकमात्र यह कह देना कि यह राजनीतिक एजेंडा है, यह भी कहीं ठीक तो नहीं लगता है। इससे देखिए 1947 में इस मामले का सुलझान हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब फूट डालो राज करने वाले कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अम्बेडकर जो थे, जो हमारे राजनीति नीतिकारक भी थे, उनके द्वारा यह बात बोली गई थी, ये फूट डालो राज करो वाला नीति अभी तक क्यों औपनिवेशिक शासन वाला हमारे सिस्टम में रहेगा। तो यहाँ पर उनकी कंसर्न को कोई नहीं लेता है, तो बात यहाँ करता है यह फूट डालो राज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग हम विस्तार रहेंगे, सब देश में एक रह रहे हो तो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था के तौर पर एक तो होना ही होगा ना, तभी तो राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात होगा। आचरण धार्मिक आचरण आपकी स्वतंत्रता तो मिली हुई है ना,
वो तो संविधान के मौलिक अधिकार में, उससे आपको कौन छीन सकता है, कोई नहीं छीनेगा। यहाँ पर बात हो रही है यूसीसी के जो मुद्दे हैं उसमें बात हो रही है, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सके, कैसे एक न्यूनतम साझा संकल्प लाए जिसके आधार पर सभी में एक समान हो, क्योंकि मिसमैच ना हो। आप जाइएगा जाइएगा यहाँ से ऊपर, जैसे ही जाइएगा यहाँ पर जो कानून है, इस राज्य में अलग कानून है, इस राज्य में अलग कानून, तो इस राज्य में अलग कानून है, इस राज्य में अलग कानून, तो यहाँ पर अलग राज्य कानून है, बीच वाले राज्य में अलग कानून है, उसी मुद्दे पर। तो ध्यान रखिएगा यूसीसी आएगा तो कम से कम एक तो नियम कानून होगा जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेम रहेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेम रहेगा, तभी तो राष्ट्रीय एकता अखंडता को मुद्दे संदर्भित किए जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी कहानियां सभी के अपने अपने राजनीतिक मुद्दे होते हैं, अपना आइडियोलॉजी होता है, इस बात को समझिएगा। मसलन जो भी बातें की गई है 2018 का इनके द्वारा बोला गया है कि विधि आयोग, विधि आयोग क्या बोल रहा है, विधि आयोग 2018 के विधि आयोग बोल रहे हैं कि समान नागरिक संहिता विचार रखते हुए कहा कि इस स्तर पर न तो आवश्यकता है न ही वांछनीय है। ये 2018 विधि आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही है। वर्तमान विधि आयोग तो यह भी बोल रहा है ना, इसको जल्द से जल्द कंसर्न कर लेना चाहिए, सुझाव दिया है, नए तरीके से सुझाव दिया है। तो यह सब चीजें बात ध्यान रखिएगा कि एक विधि आयोग ने यह भी बोला, एक विधि आयोग जो इससे पहले था उसको नहीं नहीं चीजें लागू करनी चाहिए उनके द्वारा, सही है, अच्छी बात है। पर 2022 का जो 2023 का जो विधि आयोग है वो क्या बोलता है कि इसे लागू करने की जरूरत है, हम टारगेट पे से लिए हुए हैं, इसको जल्द से जल्द हमको पूरा करना है। रीजन उसके पीछे क्या है कि हम जल्द से जल्द राष्ट्रीय एकता अखंडता वाले मुद्दे को सुलझा सके। देखिए बात केवल राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ठीक ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, पर इसके राष्ट्रीय हित इम्पोर्टेंट है ना, क्या इस संदर्भ को समझ पा रहे हैं? कब तक देश में केवल मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? कुछ अल्पसंख्यक के मुद्दे, अन्य अल्पसंख्यकों के मुद्दे, उसको भी सुलझाना जरूरी है ना, तो इसे भी समझने की जरूरत है। बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा मुस्लिम को छोड़कर किया गया, तो उसे कंसर्न में लिया जाएगा, उस पर ड्राफ्टिंग कमेटी बैठेगी, तो उसको सुझाव के साथ उसे अमल में लाया जाएगा। तो जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है तब ख्वाबी पुलाव मत पकाइएगा, अभी आने दीजिए। ड्राफ्ट को क्या होगा, किन किन मुद्दों पर बात की गई है, विधि कानून किस संदर्भ में बनेगा, उस पर हम लोग आने के बाद चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए देश में बनेगी सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन, और आज हाल ही में आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में न्यूज़ों को कवर किया है, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर पीटी फैक्ट जानकारी दी गई है, सारे पीटी फैक्ट को कवर कर लीजिए जो भी अंडरलाइन किया गया है, कि क्या किया गया अंडरलाइन देखिए। ग्रीन हाइड्रोजन 2023 तक ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिशन करने महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य हुआ है जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, एक सेकेंड, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य हो गया जिसने अपना ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू किया। इससे पहले इसके साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जल्द से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अपनाया है, ठीक है ना। तो आपको पीटी फैक्ट यहाँ से मिलेगा, उसके बाद किस मंत्रालय के तहत काम करेगा ये भी बातें की गई है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया, 17,400 करोड़, 490 करोड़ आवंटित किया गया। अब ग्रीन हाइड्रोजन का स्टेटस क्या है वर्तमान में, तो यहाँ पर दिया गया, इसे देख लीजिएगा। 1.8 लाख मेगावाट अभी रिन्यूएबल ऊर्जा प्लांट का अभी क्षमता है, उसके बाद इसे 5 लाख मेगावाट तक ले जाने की क्षमता विकसित करना है। बहुत सी बातें की गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे अपडेट कर लेना है, ठीक है। सॉरी। अब रुपये की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए आरबीआई के कुछ सुझाव दिए हैं, तो याद होगा जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, कार्यकारी आर एस राठौर, सॉरी आर एस राठौर, उनके नेतृत्व में अध्यक्षता में समिति गठित की, कहाँ गया जी, यहाँ है, देखिए आर एस राठौर की अध्यक्षता में अल्पकालीन समिति बैठी है, जो बैठी है, जो यह सुझाव दिया है कि इसको हमको क्या करना होगा, एसटीआर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आरोहण अधिकार जो होता है समूह, उसमें हमको सीमा पार व्यापारिक लेन देन के लिए जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल करना चाहिए। दो तरीके से हम मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि रुपये का व्यापक निपटान के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन करने की सिफारिश किया है इस कमेटी ने, और एसडीआर जो होता है मुद्रा कोष के सदस्य के आधिकारिक मुद्रा के भंडार पूरक के तौर पर बनाया, जैसे हम लोग आईएमएफ रखते हैं ना मुद्रा,
एसडीआर के तौर पर कुछ रिजर्व रखते हैं और हमसे उसे कर्ज भी ले सकते हैं, उसके एवज में बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो एसडीआर के तौर पर हम इसे रख सकते हैं। उसके लिए ध्यान रखिएगा, एसडीआर में अभी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल है। अगर हम इसमें रुपये को भी शामिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यह इससे हम लोग कर सकते हैं। तो आरबीआई रिपोर्ट जो दिया है इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कंसर्न रखिएगा। चलिए, चीज़ें हो गया। भारत में अंतरिक्ष में तकनीक अंतिम पड़ाव पर जाने का दमखम है। तो आपको अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है, उसके संदर्भ से बातें की जा रही है कि भारत आने वाले समय में कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। इसकी शुरुआत 1963 में मात्र गरीब देश में लॉन्च करने के लिए एक पैलेट के तौर पर हुआ था, जहां पर आपको साइकिल पर लेकर गया था लॉन्च पैड को और 124 मील ऊपर पृथ्वी पहुंचाया था। याद होगा वो तस्वीर, ग्लोबल जो तस्वीर है, गोल्डन तस्वीर है, उसे सभी लोगों को पता है। और आज भारत का अंतरिक्ष इसरो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, इसरो कार्यक्रम, तो आप समझ सकते हैं। इसी के संदर्भ में आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक रखा गया है, द सरप्राइजिंग स्टाइवर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, स्टाइवर इन द स्पेस बिजनेस। तो इस शीर्षक का नाम याद रखिएगा, आपको यहाँ से कंसर्न आपको पता चलेगा। चलिए, फिर कल हम लोग मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, आज इवनिंग में 8 PM में दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस का जो आंसर राइटिंग होता है उसके जो सेट है, 2 तक हो 3 तक हो चुका है, उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर आप लोग समय से जुड़ जाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।